हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ रन थ्रू ऑफ चैप्टर 14. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 16. PQRS इज अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया 55 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट इट्स हाइट h. इसमें हाइट हमें पहले फाइंड आउट करनी है, h कितनी होगी और एरिया गिवन है. सो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज गिवन 55 मीटर स्क्वायर. देन बेस, बेस हम लेते हैं PS को, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर. देन हाइट हमारे पास क्या आएगी? हाइट विल बी इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय बेस, दैट इज 55 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 11 मीटर. नाउ इन सेकेंड पार्ट बी वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू टी. यहां इसमें देखिए पी क्यू टी में जो ये ट्राइंगल बनेगी इसकी हाइट ये सेम रहेगी. ओके, इसमें ये चीज समझने वाली है कि ये जो मैंने बनाया इसमें ये जो ट्राइंगल है ये थोड़ी सी वैसी दिख रही है, अदरवाइज बुक में आपको ये थोड़ी सी इधर की साइड में ऐसे दिखेगी. तो इसमें आपको जब फाइंड आउट करना है एरिया, देन हाइट सेम रहेगी ये 11 मीटर, क्योंकि पैरेलल साइड है और उसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा हर जगह पे 11 मीटर. एंड बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 3.4 मीटर. देन एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 3.4 इंटू 11. इसको कैंसिल किया तो 1.7. इसको करते हैं 18.7 मीटर स्क्वायर. दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. डायगनल्स ऑफ अ रोमबस आर 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स एरिया, लेंथ ऑफ साइड्स एंड पेरीमीटर. हमें ये सब फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट एरिया. पहले नोट करते हैं हम कि यहां पे हमें क्या गिवन है. डायगनल्स, डायगनल्स ऑफ रोमबस ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. ओके, देन एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 20 इंटू 16. ये कैंसिल किया 10, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आपको साइड फाइंड आउट करनी है. देखिए रोम्बस, ये जैसे रोम्बस लिया इसमें ये डायगनल गिवन है, टू डायगनल्स, एक है 20 और दूसरा है 16. अब यहां पे हम नोट करेंगे, वी नो दैट डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? परपेंडिकुलरली. मींस ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा और इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी. ठीक है, ए बी सी डी, लेट दिस पॉइंट इज ओ, देन डी ओ विल बी इक्वल टू ओ बी. सो डी ओ विल बी इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ विल बी इक्वल टू ओ सी. ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. सो यहां से हमारे पास डी ओ इक्वल टू ओ बी, दैट विल बी इक्वल टू डी बी बाय टू, दैट इज 16/2, 8 सेंटीमीटर. देन ए
O equal to OC equal to AC by 2. 20 by 2. That is equal to 10 centimeter. ये हमारे पास कितना आ गया? अब मैं इनको हटा देती हूँ यहाँ से. ये 10 हो गया और ये 8 हो गया. अभी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. यहां से हम ये साइड फाइंड आउट करेंगे. इन ट्रायंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये परपेंडिकुलर है. इसके जस्ट जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है. सो ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ए बी वी हैव टू फाइंड आउट इक्वल टू ए ओ 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 64. 164. अभी इसमें स्क्वायर को रिमूव करना है. जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो बोथ साइड में हमें स्क्वायर रूट करना होगा. यहां पे हमारे पास क्या आएगा? ए बी स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 164 स्क्वायर रूट. ओके 164 है ये. अब 164 के आपको फैक्टर करने हैं. 164 के प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे हम. 2 से क्या 2 8 जा देन 2 2 से 2 4 जा 2 1 जा. अभी हमारे पास क्या आएगा? 41 ए बी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 41. पेयरिंग करते हैं, जो पेयर में हो जाता है उसको हम आउटसाइड द स्क्वायर रूट नोट करते हैं और 41 एज इट इज. ओके ये समझ आया कि जो स्क्वायर रूट में पेयर में हो जाते हैं उनको हम आउटसाइड द ब्रैकेट नोट करते हैं और रिमेनिंग को एज इट इज. अब 2 रूट 41, 2 इंटू रूट 41 की वैल्यू 6.403. ओके अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 12.806 सेंटीमीटर. ये साइड आ गई. साइड आने के बाद आपको पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है. ओके तो पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने आप से. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके इसको आप अपने आप से करिए. पेरीमीटर 4 इंटू साइड 12.806 इंटू 4. फिफ्टी वन पॉइंट टू टू फोर सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Each side of a rhombus is 15 centimeter and the length of one of its diagonal is 24 centimeter. Find the area of rhombus. ये मान लो हमने एक rhombus बनाया जिसमें each side कितनी है? 15 centimeter and one of its diagonal. अगर ये diagonal हम लेते हैं तो ये 24 centimeter है और सारी side इसकी rhombus की same होती है. इसका area हमें find out करना है. तो कैसे करेंगे हम फाइंड आउट? अब इसके लिए स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं होता अगर ऐसे गिवन होता है, लेकिन हम एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई और दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि 15 15 24 15 15 24. सो इसको हम हीरोन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके यहां पे लेते हैं हम. पहले नोट करते हैं कि जो हमें गिवन है ईच साइड ऑफ रोम्बस फिफ्टीन सेंटीमीटर, डायगनल ट्वेंटी
24 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ रोमबस करते हैं हम डायरेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, 1/2 इन टू, इससे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूं. यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी. अब इसको हीरोन फॉर्मूला से करना है. सो पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं इसका. फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस 24 डिवाइड बाय 2. सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ द पेरीमीटर. 54/2 दैट इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट विल बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. एस 27 है, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15, 27 माइनस 24, 27 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3. नाउ इसके फैक्टर करने हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर ऑफ 27, देन 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर ऑफ 12, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब इसमें देखते हैं पेयरिंग होती है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स है ये. देन 2 इंटू 2, एक बार और 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास पेयर बन गए. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. ओके, एक एक नंबर लिया है इसमें से हमने. नाउ वी विल मल्टीप्लाई, 3 3 इज 9, 9 3 इज 27, 27 इंटू 4 दैट विल बी इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 108. टू हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड एरिया ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन हुज साइड्स मेजर 18 सेंटीमीटर ईच एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड 15 सेंटीमीटर. अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है. हेप्टागन है, इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एरिया ऑफ हेप्टागन दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइड इंटू ए, इसमें ए क्या होता है, एपोडेम होता है, इंटू एन नंबर ऑफ साइड. तो इसमें नोट करते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन हेप्टागन सेवन, देन ईच साइड 18 सेंटीमीटर, देन एपोदम दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ हेप्टागन
दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एस इंटू ए इंटू एन. ये हमारे पास एन है यहाँ पे, ईच साइड ये हो गया, ये दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 7 टू 9 135 इंटू 7 945 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड एरिया ऑफ गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ. अब यहां पे देखिए, फिगर का एरिया हमें जब फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या फिगर है. एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ, ये हमारे पास रेक्टेंगल बनेगा, ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, एफ सी डी ई. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर मैं डायरेक्ट इसमें नोट करती हूं ए बी इंटू बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दीज टू आर पैरेलल साइड, ई डी प्लस एफ सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 15. 24 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 12 प्लस 24 इंटू 15. यहां ध्यान देना ये 24 है तो ये भी 24 होगी. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है, हम प्लस 1/2 इंटू 36 इंटू 15, 2 से कैंसिल किया 18, 720 प्लस 18 इंटू 15, 720 प्लस 18 इंटू 15 दैट विल बी इक्वल टू 270. ठीक है, ये दैट विल बी इक्वल टू 0990 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मैंने ड्रॉ कर दिया है और पॉइंट आपको आई थिंक पता होंगे कि कैसे हम नोट करते हैं. ए बी सी डी जो मिडल में होता है, ए टू डी, तो ये ए टू डी ये हमने लिया, उसके बाद बी सी ये हमें लेने होते हैं, ये 15, 18 ये भी हमें डिस्टेंस गिवन है उसके साथ में. उसके बाद जो मिड पॉइंट होता है एम एन ओ पी, उसमें आपको ये जो पॉइंट गिवन होते हैं उनको माइनस करके नोट करना होता है, वो मैंने माइनस करके नोट कर दिए. अब इसमें एरिया फाइंड आउट करना है आपको फिगर का. सो यहां पे अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैंने इनको ऐसे मेंशन कर दिया कि ये रीजन है. यहां पे देखते हैं हम एरिया ऑफ रीजन 1 का एरिया हमारे पास क्या होगा. अभी ट्राइंगल है, फॉर्मूला नोट नहीं करूंगी मैं, डायरेक्ट सोल्व करूंगी. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इसमें 12 इंटू 15, 2 6 90 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ रीजन 2 दैट इज अ ट्रेपीजियम, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 15 प्लस 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या होगा, 8 प्लस 10 इंटू 18, 2 9 देन 33 इंटू 9, 297 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ रीजन 3
ये भी हमारे पास ट्राइंगल है, 1/2 इंटू 9 + 10 19 इंटू 18, 2 9s 19 इंटू 9 171 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रीजन 4 1/2 इंटू 10 इंटू 10 ट्राइंगल है ये 50 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रीजन यहां पे मैंने 5 लिखना चाहिए था, ठीक है, ये 5 है, रीजन 5 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 25 + 10 इंटू 10 + 9 19 25 + 10 करेंगे इंटू 19 करेंगे, 19 को अगर मैं कट कर देती हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 9s 5 35 इंटू 9.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास आएगा 32.5 मीटर स्क्वायर। देन नेक्स्ट रीजन दैट इज 6th 1/2 इंटू 12 + 8 टोटल कितना हो गया 20 इंटू 25 250 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रीजन हमें फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ रीजन में आपको सभी को ऐड करना होगा, एरिया ऑफ फिगर हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ओके। अब इसको आप अपने आप से करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में देखिए एरिया फाइंड आउट करना है, सो इसमें भी हम लेते हैं 1 2 3 4 5 ओके। एरिया ऑफ रीजन 1, यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जो एरिया 1 और 2 है इसको मैं पूरे को ये पूरा एरिया लेती हूं, ओके, ट्राइंगल ए ई डी जिसमें इसको मैंने एरिया 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू टोटल ये हमारे पास 110 इंटू हाइट इज 25 1375 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी जी डी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 15 इंटू 10 2 से कैंसिल किया 2 5s 75 स्क्वायर। देन नेक्स्ट लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हमारे पास क्या बन रहा है इसमें एक्स जी बी सी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 15 + 10 इंटू 65 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 1/2 इंटू 25 इंटू 65 इसको किया तो ये 12.5 इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 812.5 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल
abx, that will be equal to 1 by 2 into 30 into 15. इसको किया 15 15 225 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ रीजन में नोट कर देती हूँ. सो वी विल गेट 2487.5 मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में देखिए हमें सबका एरिया अलग अलग फाइंड आउट करना होगा. इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? यहाँ ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी आई, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 30. 20 + 10 30 हो गया इंटू 40. इसको कैंसिल किया, देन नेक्स्ट ये सारे मीटर स्क्वायर मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएंगे. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एच एम 1/2 इंटू 20 इंटू 30, ये इसका हाफ आएगा 300 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं डी के ई 1/2 इंटू 20 + 10 30 × 30 450 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ एल ई 1/2 इंटू 20 × 20 200 मीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम है हमारे पास बी आई जे सी 1/2 इंटू, ये 30 है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एंड 40 + 10 पैरेलल साइड है हमारे पास 40 + 10 इंटू 30 50 × 30 या फिर इसको यहीं कैंसिल कर देती हूं मैं 15 से 750 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सी जे के डी 1/2 इंटू साइड्स हमारे पास क्या है 30 and 10 10 + 30 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40. 2 से कैंसिल किया ये 20, 40 × 20 दैट इज 800 मीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के एफ जी जे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है 50 and 20 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 ये है और 10 ये है 50. इसको किया तो 70 × इसको कैंसिल कर लेते हैं 25 से इंटू 25 70 × 1750. देन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला ट्रेपीजियम अब एच जी जे एम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 + 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 30 + 10 40. इसको कैंसिल किया 20 आ गया 80 × 20 1600 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ फिगर हमारे पास हमें बताना है. एरिया ऑफ फिगर, फिगर क्या है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको आपको नोट करना है. मैं डायरेक्ट इसमें नोट कर रही हूं 600 +
300 प्लस 450 प्लस 200 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 1750 प्लस 1600। ओके, ये सारे हमारे पास ऐड करेंगे हम इनको। एडिंग ऑल दिस वी विल गेट 6450 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।